बुल्लीबाई ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की बोली लगवाने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में उत्तराखंड की एक 18 साल की लड़की श्वेता सिंह को अरेस्ट किया गया है। ये वही लड़की है जो बुल्लीबाई के ऐप को और अकाउंट को हैंडल कर रही थी। श्वेता सिंह ही इस पूरे केस की मास्टरमाइंड बताई जा रही है और यही मुस्लिम महिलाओं की बोली लगवा रही थी। पुलिस के सूत्रों की माने तो श्वेता सिंह ही बुल्लीबाई ऐप से जुड़े तीनों अकाउंट को हैंडल कर रही थी। इन्होंने अपने सह आरोपी विशाल कुमार झा के साथ मिलकर एक खालसा सुप्रीमेसिस नाम से ग्रुप भी बनाया था। इसने अपने सह आरोपी विशाल कुमार झा के साथ मिलकर खालसा सुप्रीमेसिस नाम से एक खाता भी खोला था। लेकिन ये विशाल कुमार झा आखिर है कौन? एक दिन पहले विशाल कुमार झा को पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर विशाल कुमार झा को मुंबई के बांद्रा के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद तकरीबन आधे घंटे की सुनवाई के बाद उसे 10 जनवरी तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। विशाल झा बिहार का रहने वाला है। श्वेता सिंह और विशाल झा सोशल मीडिया पर दोस्त बने। इसके बाद से ही दोनों ने मुस्लिम औरतों की पिक्स की नीलामी का खेल शुरू किया। मुंबई पुलिस के मुताबिक इन दोनों ने सोशल मीडिया पर अलग अलग नाम से अकाउंट खोल रखे थे। इन्होंने सिख संगठनों के नाम से भी कुछ अकाउंट खोले थे। फिलहाल मुंबई पुलिस की साइबर सेल इन अकाउंट्स की जांच कर रही है। ये मामला सबसे पहले 1 जनवरी को सामने आया था, जब इन दोनों आरोपियों ने मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें गिटहब प्लेटफॉर्म पर बने बुल्लीबाई ऐप पर ऑक्शन के लिए डाला था। इसमें उन औरतों को टारगेट किया गया था जो सोशल मुद्दों से जुड़ी हुई थी। इसमें कुछ महिला जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और लॉयर तक शामिल हैं। इसके बाद वेस्ट मुंबई साइबर सेल पुलिस स्टेशन में इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुंबई पुलिस ने इस एफआईआर में आईपीसी की धारा 153A यानी धार्मिक आधार पर दो समुदायों के बीच भेदभाव को बढ़ाना, 153B जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश करना, 354D पीछा करना, 509 महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने की नियत वाले शब्द या व्यवहार का उपयोग करना और 500 यानी आपराधिक मानहानि को शामिल किया है। साथ ही आईटी एक्ट की धारा 67 यानी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक मटेरियल पब्लिश करना या भेजना भी शामिल किया गया है। इस मामले को लेकर जो भी रिपोर्ट्स मीडिया में आ रही है उनके मुताबिक श्वेता अपने 3 भाई बहनों के साथ रुद्रपुर में रहती है। उसने पिछले साल मई के महीने में अपने पिता को कोविड-19 के चलते खो दिया था और 2011 में अपनी माता को कैंसर के चलते खो दिया था। बताया जा रहा है कि श्वेता सिंह सिर्फ 18 साल की है और 12वीं पास है, यानी उसने कॉलेज तक की पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं की है। इसके बाद भी वो इतना बड़ा नेटवर्क चला रही थी। हालांकि इस पूरे केस में अभी और भी खुलासे होने बाकी हैं। मुंबई पुलिस लगातार इस जांच में जुटी हुई है कि क्या श्वेता सिंह के अलावा इस केस में और भी दूसरे कोई मास्टरमाइंड थे, और अगर थे तो वो कहां हैं। बता दें कि श्वेता से पूछताछ के दौरान जो कुछ भी सामने निकल कर आया है उसमें श्वेता ने बताया है कि उसका एक सहयोगी नेपाल का भी है, उसका नाम वो गियाऊ बता रही है। इधर उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने इस केस पर कहा है कि उत्तराखंड पुलिस ने आरोपी से कोई पूछताछ नहीं की है, सिर्फ मुंबई पुलिस को ही सहयोग दिया गया है। अब जैसे जैसे जांच की नई परतें खुलेंगी वैसे वैसे हमें मालूम पड़ेगा कि बुल्लीबाई ऐप का ये नेटवर्क आखिर कितना बड़ा है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें खबर बेबाक के साथ।